हमारे प्रदेश में वो चार धाम यात्रा हो या फिर कुंभ का आयोजन हो, होमगार्ड्स के जवानों ने हर स्थिति में बेहद अहम भूमिका उनकी रहती है। होमगार्ड्स सुदूर पर्वतीय ग्रामीण अंचलों में भी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर शांति व्यवस्था रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चाहे वो वर्तमान व्याप्त कोविड-19 महामारी की स्थिति हो या समाज के बीच उत्पन्न हुई कोई आपातकालीन स्थिति, आज चुनौती किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकती है। ऐसे में हमें हर स्तर पर हर तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होना होगा। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम हमारी होमगार्ड फोर्स का लगातार विस्तार करने की ओर सोच रहे हैं। हमारा ध्यान आपको मिलने वाली ट्रेनिंग में और अधिक विस्तार देने पर भी है और राज्य में होमगार्ड्स की जवानों की संख्या अभी 6,500 है। हम निश्चित रूप से इसको भविष्य में इसको बढ़ाने की ओर निश्चित रूप से कदम बढ़ाएंगे। साथ ही समस्त होमगार्ड जिन्होंने इस वर्ष और पिछले वर्ष लगातार कोविड महामारी में आप सभी लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए लगातार लोगों को एक सेवा का कार्य किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है, हमेशा बढ़ चढ़ कर आपने सेवा भाव से काम किया है, इसलिए इस ड्यूटी में जो भी तैनात थे उनको मैं 6,000 रुपए का अलग से मानदेय देने की भी घोषणा करता हूँ।